हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज हम लेकर आए हैं एक नए तरह की सब्ज़ी जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी, बनाना बिल्कुल आसान है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। देखिए कितनी लजीज हमारी सब्ज़ी बनकर के रेडी हुई है। तो आप लोग भी ज़रूर इस तरह से बनाएं, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने किस चीज़ की सब्ज़ी बनाई है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हमने बंडा लिया, इसको हम लोग बंडा बोलते हैं, और इसको आधा हमने लिया, आधा बना लिया था। इसको अच्छी तरह से हम छील लेंगे। तो अच्छी तरह से छीलने के बाद इसको हम धुल करके इसको गोल गोल पीसेस में हम काट लेते हैं अच्छी तरह से। तो यहाँ पे देखिए बहुत मोटे भी नहीं, बहुत पतले भी नहीं, इसको अच्छी तरह से इसके पीसेस कर लेंगे। और फिर इसको हम कुकर में डाल करके 4 सीटी लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको हमने कुकर में डाल दिया है, और यहाँ पर हमने 1 गिलास के करीब पानी डाल दिया है। और पानी डालने के बाद इसको हम कुकर का ढक्कन लगा देते हैं, और इसको 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे हम रख देते हैं। फिर इधर चलिए हम अपने प्याज काट लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 हमने प्याज लिए हैं बड़े साइज़ के, इसको हम बारीक बारीक चॉप कर लेते हैं। और प्याज को अच्छी तरह से काटने के बाद अब हम टमाटर को काट लेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्याज हमारा कट गया, टमाटर के बड़े बड़े हम पीसेस करेंगे और इसको हम पीस लेंगे मिक्सी जार में। तो सबसे पहले हम लेते हैं मिक्सी जार। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने सौंठ पीस रखी थी मिक्सी जार में, उसी में हम डाल देते हैं टमाटर को और थोड़ी सी प्याज को ऊपर से। तो ये हमारा टमाटर का पेस्ट बन करके रेडी हो गया है, और इसको हम दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इधर देखिए 4 सीटियां हमारे कुकर ने दे दी है, इसको हम नीचे उतार करके सीटी निकाल करके इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं, और इसको अच्छी तरह से मैश करते हैं। तो यहाँ पर पलटी की सहायता से इसको अच्छी तरह से हमने मैश कर दिया है, और इसको हम ठंडा होने देते हैं। फिर इसमें ठंडा होने के बाद 1 कप के करीब हम बेसन डाल देते हैं, जितनी आवश्यकता हो बेसन आप उतना डालिए। और बेसन डालने के बाद इसमें हम थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। फिर इसमें हम 1/2 चम्मच के करीब नमक डाल देते हैं, 1/4 चम्मच आमचूर पाउडर डाल देते हैं चटपटा के लिए, और थोड़ा सा अजवाइन क्रश करके डाल देते हैं जिससे कि इसका फ्लेवर और बढ़ जाएगा। और यहाँ पे 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद 1 चम्मच भर के हम यहाँ पे ऑयल डाल देंगे, या तेल जो भी आप खाते हो डाल दीजिए, और इसको अच्छी तरह से हाथों से हम मैश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल ठंडा हो गया था हमारा जो बंडा था, अच्छी तरह से गल गया था, और इसको अच्छी तरह से हम दाब दाब के इसको आटे की तरह डो बना लेंगे बिल्कुल सॉफ्ट सा। तो यहाँ पे इसको हम 5 से 6 मिनट तक गूँथ लेंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से गूँथ गया है, और फिर ऊपर से थोड़ा सा रिफाइन लगा के हम इसको चिकना कर देंगे। काफ़ी चिपक रहा था बर्तन में, तो आप देखिए अच्छी तरह से इसको हम गूँथ दिए हैं, हाथ में नहीं चिपकेगा। और इसको हम बस गोल गोल करके इसको लंबा कर देते हैं और अच्छी तरह से बना लेते हैं। जैसे आप कोई कोई रसगुल्ले बनाते हैं या कुछ भी आप लोग बनाते हैं, उसी तरह से इसको गोल शेप ना दे के हम लंबा शेप दे देंगे। और फिर गैस की फ्लेम को ऑन करते हैं, कढ़ाई में तेल डालते हैं, रिफाइन ऑयल, और जब तेल हमारा गर्म हो जाएगा तो इसमें अपने हम बने हुए पकौड़ों को डाल देते हैं जिन्हें हमने बनाया है। और बस इसको 10 मिनट तक उलट पुलट कर बिल्कुल क्रिस्पी होने तक हम सेक लेंगे। तो यहाँ पे एक तरफ से हो गया है, देखिए कढ़ाई में भी नहीं चिपक रहा है, अच्छी तरह से इधर उधर चलाने पर चल रहा है। और इसको उलट पुलट के अच्छी तरह से ऑयल में घुमा घुमा करके अच्छी तरह से हम सेक लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है बिल्कुल, इसको इसी कलर का हमें भूनना है। तो यहाँ पे देखिए कितना सुनहरा बन करके भून करके फ्राई हो करके रेडी हो गया है। तो बस ऐसे ही हम सभी को बना लेते हैं। फिर इसी कढ़ाई में हम तेल में डालेंगे मेथी, हींग, तेज़पत्ता, जब तड़का हमारा जल जाएगा तो इसमें हम प्याज डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने जो प्याज बारीक काट करके रखा है उसको पीसेंगे नहीं, ऐसे ही डाल करके हम भूनेंगे। तो यहाँ पे प्याज को हम 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। तो साथ में देखिए पकौड़ों को हम दिखाते हैं। तो देखिए कितना क्रिस्पी यम्मी बन करके रेडी हुआ है, इसकी थोड़ा सा आवाज़ हम सुनाते हैं। तो बस आवाज़ सुनने से लग रहा है ना कितना क्रिस्पी क्रंची बन करके रेडी हुआ है हमारा पकौड़ा। तो बस इधर प्याज को हम भून लेते हैं। प्याज देखिए हल्का सुनहरा हो गया है, साथ धनिया पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर, और स्वाद अनुसार नमक आप लोग डालें। 1 चम्मच नमक भी हमने डाल दिया है। यहाँ पे 1 चम्मच गरम मसाला, और 1 चम्मच के करीब ही हमने यहाँ पे किचन किंग मसाला डाल दिया है, और साथ में यहाँ पे हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है, और इसके साथ ही यहाँ पे
एक छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं और इनको एक बार चला करके जो हमने टमाटर की प्यूरी बनाई है उसको डाल देते हैं। तो यहाँ पे टमाटर की प्यूरी डालने के बाद इसको हम 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। तो देखिए मसाले हमारे जो हैं सूखे थे, टमाटर की प्यूरी डालने से अच्छे हो गए मसाले, और इनको हम 5 मिनट तक लो फ्लेम पे भून लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मसाले जो हमारे अच्छी तरह से पक गए हैं और मसाले में तेल छोड़ने लगा है। तो साथ में अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो यहाँ पे पानी आप अपनी आवश्यकता अनुसार डालें, जितनी आपको आवश्यकता हो। तो अब इसको ग्रेवी को हम पका लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 5 मिनट बाद हमने देखा तो हमारी ग्रेवी बिल्कुल अच्छी तरह से पक गई थी। इसमें अब हम अपने पकौड़े को डाल देते हैं और अच्छी तरह से चला लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा इसका कलर लग रहा है, देखने में इतना अच्छा है, तो खाने में बताइए कितना अच्छा होगा। बहुत यम्मी बनता है ये सब्ज़ी, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। ऊपर से थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल देते हैं। अगर कोई मेहमान आए, कोई भी सब्ज़ी समझ में ना आए, तो आप लोग ज़रूर ये सब्ज़ी ट्राई करें। और साथ में यहाँ पे देखिए आधा कटोरी करीब हमने मलाई ली है, ताज़ी मलाई, और इसको अच्छी तरह से चम्मच से हम फेंट लेते हैं। और फेंटने के बाद अब इसको हम सब्ज़ी हमारी बिल्कुल बन करके रेडी है। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद करते हैं और एक बार चला देते हैं अपनी सब्ज़ी को। ऊपर से अब हम मलाई डाल देते हैं। तो वाओ, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, सब्ज़ी हमारा बिल्कुल बन करके रेडी हो गया है और बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी। तो आप लोग घर में आए मेहमान लोग को ज़रूर खिलाएं, अगर कोई भी सब्ज़ी ना समझ में आए तो। बहुत समय भी नहीं लगता है, बहुत कम समय में बन करके रेडी हो जाता है। तो चलिए अब इसको हम सर्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मलाई के साथ, मलाई वाले कोफ्ते भी आप बोल सकते हैं, या पकौड़ों की सब्ज़ी, कुछ भी आप बोल सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी बन करके रेडी हुआ है। साथ में आप जीरा राइस, चावल या रोटी पराठे पूड़ी किसी के साथ भी सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो ज़रूर आप लोग बनाएं एक बार, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी के साथ हमारी सब्ज़ी बन करके रेडी हो गई है। तो एंजॉय करें।